Subscribe under 24/7 and press the bell icon. Hi, my lovely stars and angels. Welcome to Adda 24/7, Government Job in Your Pocket. कैसे हो फ्रेंड्स आप सभी? सुबह के 5 बज चुके हैं और आपका वोकैबुलरी डेवलपर आ गया है आपके सामने पिक्यूलियर इंग्लिश के idioms और phrases को लेकर. तो चलते हैं अपने पहले वर्ड की तरफ. लेकिन उससे पहले क्या करना है, आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना है और शेयर करना है. जल्दी से अपने सारे फ्रेंड्स को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों को ऐसे रोज रोज नए वर्ड सिखाता चलूं. जो पहला वर्ड है हमारा फोस्टर मदर और स्टेप मदर में भाई क्या डिफरेंस होता है. क्योंकि ये पिक्यूलियर है इसीलिए मैं आपके सामने पिक्यूलियर वर्ड ही लेके आता हूं. फोस्टर मदर वो होती है जो आपकी रियल माँ के जगह पे काम करती है, चाहे वो कोई भी माँ हो. आप होते हैं, हमारी जिंदगी में भी कई माएँ होती हैं जिनको हम माँ की तरह ट्रीट करते हैं, तो उनको आप बोल सकते हो कि ये हमारी फोस्टर मदर है. मतलब वो हमारी भले ही रियल माँ ना हो लेकिन रियल माँ की तरह वो काम करते हैं, रियल माँ की तरह उनकी इमेज होती है आपकी जिंदगी के अंदर. आपकी जिंदगी में जो जो फोस्टर मदर हो उनको एक बार याद कर लीजिए, ये वर्ड आपको जिंदगी में याद हो जाएगा. और जो भी जिस भी माँ को आप लोग पूजते हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो सेंटेंस बना के, मिसेज सो एंड सो इज माई फोस्टर मदर. आई होप यू गॉट द पॉइंट. और जो स्टेप मदर होती है उसको हम सौतेली माँ बोलते हैं, ठीक है ना. तो आई होप मैंने आपको दोनों मीनिंग क्लियर किया होगा. फोस्टर मदर अलग होती है और स्टेप मदर अलग होती है, और जो हमारी माँ होती है वो तो हमारी माँ होती होती है. तो एक बार देख लेंगे, फोस्टर मदर इज वन हु एक्ट्स एज अ मदर इन प्लेस ऑफ रियल मदर. और स्टेप मदर कौन सी होती है, लेटर वाइफ ऑफ वंस फादर. जो कई बार पापा जो होते हैं फादर होते हैं किसी के, वो दूसरी शादी कर लेते हैं, तो उस माँ को हम लोग क्या बोलते हैं, वो स्टेप मदर कहलाती है. आई होप ये दोनों वर्ड का डिफरेंस आज आपको क्लियर हो गया होगा. चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ. कंप्यूटर में होते जरा अगला वर्ड दिखाया जाए. हमारा नेक्स्ट वर्ड है ए हार्ड नट टू क्रैक. नट आप लोग समझते हो क्या होता है यार, बिल्कुल ठीक बात है. लेकिन हार्ड नट टू क्रैक, इस idiom को हम लोग अपने कॉमन लाइफ में यूज करते हैं. और वो idiom क्या होता है कि एक आदमी जिसको प्लीज करना, जिसको खुश करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, जो आदमी हैंडल करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो, उसको आप बोल सकते हैं क्या, यार यू आर अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक, शी इज अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक. मतलब ये जो अखरोट है ये फूटने वाला नहीं है. तो कंप्यूटर महोदय जरा एक बार जल्दी से एक बार आंसर दिखाएंगे. तो ए हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है ए पर्सन वेरी डिफिकल्ट टू डील विद. जैसे He is a hard nut to crack. आप देख सकते हैं आज के बाद आपको ये idiom कभी भी नहीं भूलेगा. आपके exams में आते रहते हैं और बहुत ज़्यादा use होते रहते हैं. आप इस particular English को use कर सकते हो, अपने vocab को enrich कर सकते हो. चलते हैं अपने last आखिरी तीसरे word की तरफ जो है आपके सामने hard luck. Hard luck का meaning क्या होता है, hard luck का meaning होता है bad luck. अगर आपको आप लोगों को बैड लक बिल्कुल पता है लेकिन हो सकता है हार्ड लक आप लोगों को नहीं पता हो. आप लोग बोलते हो यार बैड लक नेक्स्ट टाइम, मतलब ही फेल्ड अगेन हार्ड लक. जब भी आपको ये बोलना हो यार बहुत बुरा हुआ उसके साथ, यार उसके साथ बहुत बुरा हुआ, तो आप ये बोल सकते हैं हार्ड लक, ही फेल्ड अगेन हार्ड लक. इस तरह से आप यूज कर सकते हो. हार्ड लक का मीनिंग क्या हो जाएगा, बैड लक. आई होप यू गॉट द पॉइंट. और ये तीनों फ्रेजेस आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में भी आ गए होंगे. एक बार हटा दीजिए. तो गाइज अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने एटलीस्ट 10 फ्रेंड्स को ये शेयर कर दीजिए ताकि मैं डेली आप लोगों को 5 बजे ये idioms और phrases आप लोगों को कराऊं. और जब हमारा एग्जाम आएगा उस एग्जाम के टाइम तक आप लोगों के पास इतने idioms और phrases हो जाएंगे कि एग्जाम में जाते हुए आप लोगों को ये पिगी राइड लगेगा. पिगी राइड क्या होता है, बहुत ही ईजी काम लगेगा. थैंक यू. तो गाइज शाम को 4 बजे मिलते हैं अपनी ग्रामर की क्लास में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. जय हिंद.